देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर बार से है जहां दीपावली खत्म होने के बाद उत्तरी भारत क्षेत्रों में लोक आस्था महापर्व छठ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं देश भर के लघु व्यापार छठ पर्व में उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं की तैयारी भी कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन यापन अच्छी होती है। पंडारक प्रखंड के करमौर गांव निवासी ओपी राम अपनी दुकान और छठ पर्व को लेकर साचा निर्माण में लगे हुए हैं। साथ ही अपनी तरफ से गरीब परिवारों को छठ पर्व में उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं को भी छठ व्रतियों को देते हैं। जमुई में अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल बालू माफिया ने सड़क पर चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों को ट्रैक्टर से कुचल दिया। इस पूरे वारदात में दरोगा की मौत हो गई, वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक ये वारदात जमुई के गढ़ी थाना क्षेत्र के चनवरपुर के पास की है। दरोगा प्रभात रंजन को अवैध बालू के परिवहन की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ चंद्रवर पुल के पास पहुंच गए और चेकिंग के इसी दौरान बालू से लदे ट्रैक्टर को उन्होंने देखा, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दरोगा को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई है। बाढ़ में जल्द ही पार्कों का सौगात मिलने वाला है। जगनाथन हाई स्कूल के पास बन रहे पार्क का पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। चेयरमैन संजय कुमार ने बताया कि उसे कुछ ही दिनों में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक के बाद ये तय किया जाएगा कि पार्क में प्रवेश शुल्क भी लगेगा या नहीं। जनता के अनुसार जब ये संजय कुमार ने चेयरपर्सन का जब से पदभार संभाला है, तब से नगर परिषद क्षेत्र में विकास का दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कई ऐसी योजना है जो कई सालों से अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अब वो किया जा रहा है। नालंदा में छठ पूजा की तैयारी में जिला प्रशासन पूरी तरीके से जुट गया है। प्रशासन ने छठ पूजा को लेकर सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं, जिससे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। वहीं दूसरी ओर पलटपुरा गांव में दबंगों की ओर से 11,000 विद्युत तार को काट दिया गया, जिससे 4,000 की आबादी बिजली संकट से प्रभावित हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही गरीबन यादव ने दबंगई करते हुए तार को काट दिया है। इस इलाके में नल जल की समस्या सामने आ रही है। बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने डीएम से जल्द बिजली बहाल करने की मांग की है। डीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्दी बिजली बहाल की जाएगी। सर, हम लोग आवेदन दिए हुए 11,000 तार गरीबा नादव काट दिया है और हम लोग डीएम एसपी स्कूटी एसडीओ सबके आवेदन दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज से 15 दिन हो गया है, थाना वाना सब मिला हुआ है, घर भी बना रहा है। कहाँ का मामला है? पलटपुरा का है। पलटपुरा का है, तो यहाँ क्या है? आप लोग यहाँ पे किस लिए? हम लोग डीएम साहब को घेराव करने आए हैं, हमारा कोई निष्कर्ष निकाले। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं जी? क्या नाम लिखते हैं अपना? हम गणेश पासवान। नालंदा में दहेज के खातिर ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दिया। दरअसल युवती की शादी सारे थाना क्षेत्र के अलीनगर निवासी रविंद्र पासवान से 1.5 साल पहले हुआ था। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के कुछ महीने बाद पति रविंद्र पासवान अपनी पत्नी से दहेज की मांग कर रहा था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि पति का गांव के ही किसी महिला से अवैध संबंध भी चल रहा था और उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या ससुराल पक्ष के लोगों ने ही की है। हम तो तिलक दे करके शादी करवे किए सर, फिर बार बार टोर्चर इसको दे रहा था कि तुम बाप माय के इतना रुपया मांग के ला तो तुम्हारा रखेंगे। क्या क्या चीज मांग करता था? रुपया मांग कर रहा था। कितना रुपया? 3 लाख रुपया मांग। अच्छा, और क्या मांग करता था? और एक टोर्चर पलंग गद्दा मांग रहा था। फिर से मांग करता था? फिर से मांग रहा। हम देंगे भाई, कमाने तो देंगे। अच्छा, गाड़ी भी मांग रहा था, गाड़ी को मोटरसाइकिल मांग कर रहा। और क्या, और लड़का का क्या मामला आ रहा है? मामला गांव से थोड़ा रिपोर्ट चलता है कि किसी और लेडीज के साथ उसका। नालंदा के सिलाव बाजार में व्यवसायी अनिल राम के रुई गोदाम में अचानक आग पटाखे के चिंगारी से आग लग गई, जिससे 5 लाख से ऊपर का रुई दीवार और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दिया, जिसके बाद घटनास्थल पर 8 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल देखा गया।
बाड़ में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या की असली वजह अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं मौके पर पंडारक थाना की पुलिस ने शव को जब्त करके अनुमंडल अस्पताल पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है। साथ ही लिखित आवेदन के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। कैमूर जिले में एक तालाब में स्नान करने के दौरान 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद जहां पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया, वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्रीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की लाइन लग गई। गांव के पास के एक तालाब में 5 बच्चे स्नान कर रहे थे। इस दौरान एक बच्ची तालाब के गहरे पानी में चली गई, जहां पर सभी 5 की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य विकास सिंह ने शोक संवेदना व्यक्त किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।